सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अपडेट ज्ञान। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला क्यू एन ए और आप लोग का सारा सवाल का जवाब मैं जैसे कि लेकर के आता हूं, तो आज भी कुछ वैसा ही होने वाला है। और गाइस, मैंने कुछ बंदों का क्वेश्चन को पिक किया और काफी मस्त मस्त क्वेश्चन है, तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है साहिल 14 मेहता इस भाई की तरफ से, हाउ टू मेक रिंग लाइट। तो भाई देखिए, रिंग लाइट मेकिंग में करूंगा, ठीक है, लेकिन जब भी करूंगा वो चैनल पर करूंगा जो मेरा ब्लॉग चैनल है, क्योंकि अब अपडेट ज्ञान चैनल पर मैं नहीं करूंगा क्राफ्ट की चीजें, ठीक है। तो आप जा सकते हैं मेरा कार्तिक सेन ब्लॉग्स नाम का जो चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस भाई की तरफ से, मनीष एडवाइस, गूगल एडसेंस आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अगर भाई आप ये कह रहे हो कि गूगल जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अगर आप लोग अप्लाई करने की बात कर रहे हो, तो वो गाइस 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब जो गूगल एडसेंस है वो आने की बात करते हो, तो वो अप्लाई के बाद 7 दिन कम से कम टाइम लगता है आपके पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये भाई बोल रहे हैं नितेश पारिक, ये भाई बोल रहे भाई कभी ड्रिंक किया है। भाई ये क्या बात बोल रहे हो, मेरे घर में मेरे पापा तक नहीं किया आज तक, ठीक है, तो मैं कहां से ही करूंगा। कभी ड्रिंक नहीं किया और नहीं कभी लाइफ में करने का सोचा है, ठीक है, ये सब बहुत खराब आदतें होते हैं, नशेबाज। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मनीष पासवान, भाई तुम ब्लॉग का चैनल कब बनाओगे। ये लो भाई, भाई को पता ही नहीं है मेरा ब्लॉग का चैनल मैं बना करके बैठा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि कब आएंगे भाई लोग और मेरे ब्लॉग चैनल पर व्यूज देंगे। सो गाइस, ब्लॉग का चैनल मेरा कब से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, आप लोग को लिंक मिल जाएगा, कार्तिक सेन ब्लॉग्स। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑफिशियल राहुल, ये भाई बोल रहे भाई एक बात बताओ कि आपने स्टडी के साथ में कैसे अपने यूट्यूब पर फोकस किया और अभी कौन सी क्लास में हो। भाई अभी तो क्लास में हम ऐसे हैं ग्रेजुएशन में, बट क्या है कि अभी का पढ़ाई थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया है, ठीक है, कभी ऐसा कॉलेज वगैरह जाता हूँ नहीं जाता हूँ, मतलब मनमर्जी का भी पढ़ाई चल रहा जब से लॉकडाउन कोरोना का सिचुएशन आ गया। बट मैं यूट्यूब के साथ पढ़ाई जो मेरा पहले का था वो मैंने फोकस बहुत ही ज़्यादा किया था, मतलब पढ़ाई को 50% दे दिया था और YouTube पे भी फोकस 50% कर दिया था, जिसके कारण कि गाइस मेरा इंटर में थोड़ा सा नंबर खराब आ गया था, जो कि मैं सेकंड डिवीजन कर गया था, ठीक है, साइंस लेकर के। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जुगेश भाई, ये भाई बोल रहे सर जी आपका कभी YouTube छोड़ने का मन करता है, प्लीज सर पिक लव फ्रॉम जुगेश भाई। भाई YouTube छोड़ने का मन, ये बात क्या ही आप कह रहे हो, अगर YouTube में मेरा 4-5 भी चैनल रहे ना, तो मैं सोचता हूं कि सब में वीडियो दे दूं, तो आप छोड़ने की बात करते हो। भाई YouTube छोड़ने का कभी मन नहीं करता, और मान लीजिए कि मैं अगर कुछ अदर भी काम करूँ ना, तो YouTube को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पार्ट टाइम पहले था, अभी तो फुल टाइम है, बट पार्ट टाइम फिर भी करूंगा, लेकिन करूंगा, ये मैं आप लोग को 100% बता देता हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता अरमान ऑफिशियल 15, क्या YouTube चैनल का पासवर्ड चेंज हो सकता है कि नहीं। एकदम श्योर, क्यों नहीं, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। सुभाषिस माझी, ये भाई बोल रहे भाई न्यू चैनल में खुद का वीडियो एक या दो बार देखने से क्या इनवैलिड क्लिक आ सकता है। नहीं भाई, अगर आपका चैनल में अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ आपका चैनल, तो आप अपना वीडियो खुद एक दो बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज्यादा बार नहीं देखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 3932 इमरान, ये भाई बोल रहे हैं भाई आपके पास क्या प्रॉब्लम है कि हर रोज वीडियो अपलोड नहीं करते हो, क्यों से प्रॉब्लम है बोलो भाई। भाई देखिए, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आते रहते हैं, और प्रॉब्लम आते हैं बट ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, बट ऐसा नहीं है रोज़ वीडियो डालने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोटिवेशन की, बस उसके आगे नाम नहीं है। भाई मैं तो FF खेलते खेलते ही पूछ लेता हूँ, अच्छा मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी रखा था कि कुछ क्वेश्चन कर लो, तो ये भाई बोल रहे मैं FF मतलब फ्री फायर खेलते खेलते पूछ लेता हूँ आपसे, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अमित वर्मा, ये भाई बोल रहे आप इतना ज्यादा सक्सेस हो गए हो, तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होता होगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। भाई अच्छा रिएक्शन होता है, क्योंकि यूट्यूबर है घर में लड़का, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो। सो गाइस, अच्छा रिएक्शन है, और भाई ने इमोजी दिया ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और भाई साहब ये मिस्टर आदित्य भाई हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि कैमरा कब लोगे ब्रदर। भाई कैमरा तो अभी लेने का कुछ सोचा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कि मतलब इंस्पायर हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मनोज भाई से हूँ, टेक्निकल दोस्त से हूँ, योगी सर से भी हूँ, ऐसा नहीं है, और महात्मा जी टेक्निकल, तो भाई मैंने टेक्निकल दोस्त को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया कि उनके पास अभी भी मतलब अभी तो वो लैपटॉप कैमरा वगैरह शायद से ले लिए होंगे या फिर नहीं भी लिए होंगे, बट वो 1 मिलियन ओनली फॉर मोबाइल
साल में किए थे तो मैं तो 1 लाख कर ही सकता हूँ। तो 1 लाख करते हैं, उसके बाद कैमरा और लैपटॉप का देखा जाएगा, नहीं लैपटॉप सॉरी लैपटॉप नहीं कैमरा का देखा जाएगा, वरना ऐसे पैसे होंगे तब ले लेंगे। ठीक है सो गाइस, तो आज का क्वेश्चन कुछ यहीं तक था, और जितने बंदों का पिक कर पाया उनको तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका नहीं पिक कर पाता हूँ कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट बार आपका क्वेश्चन पिक जरूर हो जाएगा। सो गाइस, इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आपने फॉलो कर लीजिएगा जाकर के, 10K जल्दी से फॉलोवर्स करा दीजिए, टारगेट है 10K। और इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा, बाय बाय।